रुड़की के ज्ञान लोक डिफेंस कॉलोनी में आज भाजपा पार्षद ने फीता काटकर एक नाले का शिलान्यास किया है और इस नाले का निर्माण 5 लाख रुपए की लागत से कराया जा रहा था। वहीं क्षेत्रीय पार्षद विवेक चौधरी ने बताया कि नाले के निर्माण से कॉलोनी वासियों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा हाईकमान द्वारा त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रत्याशी बनाए जाने पर विवेक चौधरी ने कहा है कि ये है हाईकमान का एक अच्छा निर्णय और त्रिवेंद्र सिंह रावत लाखों वोटों से विजयी होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा है 400 के पार वो साकार होगा और देश में तीसरी बार भी भारी बहुमत भाजपा की सरकार आएगी। जुगाड़ नहीं करना, काम करना। देखिएगा, बहुत उत्साह जनता में है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ केंद्रीय नेतृत्व का। उन्होंने बहुत ही योग्य और सक्षम, जो कि विकास करने के माहिर माने जाते हैं, ऐसे हमारे प्रत्याशी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मौका दिया हरिद्वार लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का। और कल, क्योंकि वो प्रथम बार हरिद्वार आए थे, नारसन बॉर्डर पर एक भव्य स्वागत जो हुआ है उनका, वहाँ दिखाई दे रहा था कि आम जनमानस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में कितना उत्साह है। और इसी से समझ आता है कि इतना भारी उत्साह, इतना भारी वहाँ जनमानस इकट्ठा हुआ, तो इससे समझ आता है कि जब आगाज इतना खूबसूरत है तो अंजाम कितना सुंदर होगा। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल का निशान है, जिसको कि केंद्रीय नेतृत्व का हम सब लोग आज तो कल इकट्ठे होकर उसका समर्थन करना हमारा दायित्व है और हमारी नीति है। चुनाव में टिकट मांगने का सबका अधिकार है, लेकिन जिसको भी पार्टी टिकट देती है सब एक तरफ से साथ करते हैं। आज आप देख रहे होंगे बॉर्डर से लेकर देहरादून तक सड़कों पर जनसाला है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। जब तक लड़ाई है जब तक टिकट मांग रहे हैं, टिकट जिसका फाइनल है उसके साथ सब समर्थन करते हैं। माननीय निशंक जी यहाँ के सांसद थे, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री थे, योग्य और अनुभवी नेता है, वो बहुत पुराना अनुभव है उनका। और अब पार्टी ने श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को टिकट दिया है, वो भी बहुत अनुभवी है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, संगठन के ग्रास रूट से आते हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक अच्छा निर्णय ये भी रहेगा और त्रिवेंद्र सिंह जी भी भारी मतों के साथ जीत कर जाएंगे। पांचों सीटें हम जीतेंगे और मित्रता, भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव ऐसा है, कार्यकर्ताओं के बीच मित्रता होती है और त्रिवेंद्र जी का विशेष स्नेह मुझे रहा भी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो अपेक्षाएं मुझसे पार्टी करेगी मैं उन पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और भारी मतों से हम पांचों सीटें जीतकर जो मोदी जी का लक्ष्य है इस बार 400 पार, उसमें हम पांचों कमल यहां से खिलाकर भेजेंगे। हाँ, कोई व्यक्ति का तो कोई विचार ही नहीं है, यह पार्टी के विचार का सारा मुद्दा है। यहाँ सिर्फ सबके लिए कमल का फूल ही मतलब लक्ष्य है और कमल का फूल ही पार्टी है। और क्योंकि कमल के फूल को लेकर जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो एक जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं पूरे देश में, जिनका इस समय डंडा बज रहा है, डंका बज रहा है, तो उस विचार को लेकर किसी को भी टिकट पार्टी देगी और पार्टी भी बड़ा सोच समझकर टिकट देती है।